ज्ञान का पिटारा एक रेमेडियल कोर्स है, जैसा कि हम देखते हैं कि पहली और दूसरी में जो बच्चों को, जैसे अगर वो तीसरी में आते हैं और पढ़ना छूट जाता है, जैसे अगर वो वर्ण नहीं पहचान कर रहे हैं या संख्या पहचान नहीं करवा रहे हैं, तो तीसरी और चौथी और पांचवी के बच्चों के साथ हम ज्ञान का पिटारा लेकर जाते हैं। ज्ञान का पिटारा जो है वो पहले क्या होता है स्कूलों में अभी कि ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते थे, तो बच्चों का उसमें मन नहीं लगता है। जो भी टीम बालिका साथी हैं, फील्ड कोऑर्डिनेटर साथी, जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो नई नई चीज़ें देखते हैं। जैसे गणित की बात करें तो उसमें कुछ ब्लॉक्स वगैरह जोड़ना है, हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो उसमें चित्र, शब्द, कार्ड, वर्ण, तो उसमें वो देखते हैं, वो अपने आप को आसपास के परिवेश से जोड़ पाते हैं। ज्ञान का पिटारा स्कूल का चयन हम सिंगल टीचर, जहाँ पर एक टीचर रहते हैं वो हम स्कूल का चयन करते हैं, पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और जहाँ पे ज़रूरत है होती है उन्हीं स्कूलों में हम ये किट पहुँचाते हैं। और जब ये किट लेके जाते हैं एफसी साथी, तो वहाँ पे शिक्षकों को इस किट के बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या सामग्री है, कौन से टूल का हम लोग कैसे उपयोग करेंगे। ज्ञान के पिटारा में जो सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी, वो होती है बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना। टीचर से संपर्क करते हैं और रजिस्ट्रेशन के संबंध में तीन, चार और पाँच के बच्चों की जानकारी उनसे लेते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम बच्चों का बेसलाइन करते हैं। बेसलाइन में जो हमारा एक असेसमेंट टूल होता है, उसमें हम बच्चों के साथ, एक एक बच्चे के साथ में उस बच्चे का आकलन करते हैं, जो भी हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर साथी होते हैं, और उससे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कितना आ रहा है। उसमें बच्चों का स्तर देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कौन से स्तर पर है। बेसलाइन के बाद हम लोग स्कूलों में सत्र संचालन करते हैं, जिसमें हमारे जो फील्ड कोऑर्डिनेटर साथी हैं, हमारी टीम बालिकाएं साथी हैं, वो स्कूलों में जाती हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जब शुरुआत में गए तो कुछ बच्चे मतलब इंगेज भी नहीं हो रहे थे, है ना, बोल भी नहीं रहे थे। तो ज्ञान का पिटारा जब स्कूल में इम्प्लीमेंट होने लगा तो टीचर भी आश्चर्यचकित होने लगे कि इसमें ऐसा क्या है, है ना, बच्चे सीख रहे हैं, जल्दी से सीख रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते वो बच्चे भी स्कूल आना प्रारंभ हो गए। ज्ञान का पिटारा बच्चों को मतलब बहुत अच्छा लाभदायक है सर, कि उसमें जैसे चार्ट है, फीडबैक है, अच्छा है, रंगीन है, चित्र है, यह है, तो सभी बच्चे उसमें मजे से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग सत्रों का संचालन कर लेते हैं, हमारा जो एक लेवल ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग बच्चों का एंडलाइन करते हैं। जैसे हमने देखा कि बेसलाइन में जो बच्चे को हिंदी पढ़ने में या इंग्लिश पढ़ने में या गणित कर के सवाल हल करने में कहीं दिक्कत आ रही थी, उसने एंडलाइन में वो कितना सीखा है। तो वहाँ पर एक सीमा नाम की बालिका थी, वो बालिका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, कुछ भी पढ़ नहीं पा रही थी। नहीं आता कोई बात नहीं। सीमा को हमारे एफसी और हमारे जो टीम बालिका साथी है, उन्होंने ज्ञान का पिटारा के माध्यम से उस बालिका को लंबे समय तक पढ़ाया। जब उसके रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आए। सीमा नाम की जो लड़की है हमारे विद्यालय में, तो वो पहले कमज़ोर थी, तभी ज्ञान का पिटारा में वो लड़की अच्छे से कहानी कविता पढ़ लेती है, छोटे छोटे वाक्य पढ़ लेती है, कहानी कविता पढ़ती है। जो सीमा बेसलाइन के दौरान कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी पढ़ नहीं पा रही थी, जब हमने पूरे सत्र पढ़ाने के बाद जब उसका एंडलाइन किया, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम हमको देखने के मिले। पेन, गेट। सीमा पहले नहीं आवड़ते जानकी पीठर चुपड़ी जानी तई वारलू भाणे, शांति भी भाणे, एक भी सुबह भी उठी भाणे, अतः टाइम पर स्कूल जाते रहो। यहाँ तक कि वो स्कूल की अन्य बालिकाओं को पढ़ाने में भी मदद करने लगी है। सीमा की कहानी हमें बताती है कि ज्ञान का पिटारा सच में बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।